उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ऐसा विवेकानंद जी ने बोला। दोस्तों, मैं नरजीत सिंह आज आपके समक्ष एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो कि अगर जिस जिसके बारे में अगर आपको पता चल जाए तो आप अपने सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। हाँ जी, आज का टॉपिक है मन चाहे लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। ये आपके गोल्स आप क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं, क्यों अपने सपनों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, जो भी हम सोचते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके साथ मैं आज आया हूं और इसका समाधान आज हम इस वीडियो में निकालेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज एक बहुत ही बेहतरीन बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अपने अपने लक्ष्य को कैसे हम प्राप्त कर ले, कैसे हासिल करेंगे। क्योंकि मेरा पिछले 9-10 साल का एक एक्सपीरियंस बोलता है, मेरा अनुभव है और मैंने अपने पर्सनल लाइफ में मैंने ये अप्लाई करके देखा है। आज तक मेरी लाइफ में जो भी मुझे मिला है और जो मुझे नहीं मिला है, इन दोनों के पीछे बहुत बड़े कारण रहे और ये ही काफी सारे जो भी लोग हैं, जितने भी लोग अपने अपने व्यापार में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी पढ़ाई में क्यों वो चीज हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। दोस्तों, देखो क्या होता है कि हम मेहनत तो करते हैं, हम प्रयास तो करते हैं और हम बड़े बड़े सपने भी देखते हैं। ये एक फैक्ट है और ये होता भी है। क्योंकि आपने किसी ने बोला कि बड़े सपने होने चाहिए और बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और हमने किसी के कहने से लक्ष्य बनाए भी और निर्धारित भी किए, किसी से इंस्पायर होके, किसी से सीख के, किसी को देख के, लेकिन वो हमने बनाए लेकिन हमारे पूरे नहीं हुए और हमें लगा कि नहीं नहीं ये गलत बात है, कोई ऐसा सोचने से या ऐसे लिखने से ऐसा कभी लक्ष्य पूरा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ना तो जिसने बताया वो गलत था और ना आप गलत थे, क्योंकि जिन्होंने बताया अपने अनुभव से उन्होंने बताया, क्योंकि लिखने से और उनको विजुअलाइज करने से लक्ष्य पूरा होता है। ये एक पार्ट है लक्ष्य का, ये पार्ट है, लेकिन आपने उसी को ही संपूर्ण समझ लिया, उसी पे ही पूरा फोकस कर दिया। आपने लिखा और लिखने के बाद में उनको ही देखते रहे और एंड ऑफ द डे जो भी आपने टिल डेट डाली थी आपको, उस पे वो लक्ष्य आपका हासिल नहीं हुआ तो आपको लगा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। और ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, आप जब भी जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं उसका आपने जो भी डेडलाइन या एंड ऑफ डेट आपने उस पर डिसाइड की है, उस पर आपको बिल्कुल वो लक्ष्य हासिल हो सकता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो काम करता है, वो होता है हमारा एक्शन। जब तक आपका एक्शन नहीं लगेगा तब तक आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए दो दोस्त हैं और दो दोस्तों ने डिसाइड किया कि मुझे मर्सिडीज चाहिए है और दूसरे ने भी डिसाइड किया कि मुझे भी मर्सिडीज चाहिए है। एक ने लक्ष्य बनाया, लिखा और पेस्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू जहां से भी उसने सीखा था, जहां से भी उसको पता चला था, उसके हिसाब से उसने अपने लक्ष्य को बिल्कुल वैसे ही किया। और एक इंसान ने क्या किया, दूसरे दोस्त ने, उसने भी लक्ष्य को बनाया, उसने भी अपनी डायरी में लिखा और पिक्चराइज्ड भी किया उसको और विजुअलाइज भी किया, लेकिन उसके साथ साथ एक काम और किया, उसने एक्शन भी लिया। उसके उसके ऊपर क्या उसको कार्य करना चाहिए था, वो अपने कामों के ऊपर फोकस किया। आपसे पूछना चाहता हूं मैं, लक्ष्य किसका पूरा होगा? बिल्कुल आपने सही कहा, जिसने एक्शन लिया था उसी का लक्ष्य पूरा होगा। तो मैं अपने अनुभव से यही आपको बताना चाहता हूं और मैंने बहुत सारी किताबें इसके ऊपर पढ़ी है, बहुत सारे सीडीज, ऑडियो, वीडियोज और बहुत सारे ट्रेनर्स और बहुत सारे गुरुओं से मैंने सीखा है कि लक्ष्य, हर लक्ष्य आपका हासिल हो सकता है। क्योंकि मेरे 10 साल के करियर में मैंने जो चाह है मुझे वो मिला है और जो नहीं मिला उसके पीछे भी कुछ कारण रहे हैं और वो दोनों ही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि जो लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं वो आपको आपके कर्म, जो एक्शन है उस पर डिपेंडेंट होता है। क्योंकि गीता में लिखा है आप कर्म करिए, फल की प्रतीक्षा मत करिए। उसके पीछे यही रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे और बहुत बड़ा कारण जो है वो यही है कि आप कर्म करिए। आप जब कर्म करते हैं तो आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। आपको उसके लिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके का संदेह नहीं होना चाहिए कि मैंने ये सोचा था और मुझे ये नहीं मिला है। और हमें हमें तकलीफ भी इसीलिए होती है क्योंकि हम बड़ी उम्मीद करते हैं, बड़ा एक सपना डिसाइड कर लेते हैं, एक बड़ा गोल डिसाइड कर लेते हैं और जब हमें वो नहीं मिलता है तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, जब भी आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं उसी टाइम पे बैठ के आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप किस आपने क्या उसके लिए एक्शन लिया था। और जब आप बैठ के एक बार मनन करेंगे और आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो पता चलेगा आपको कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया था उसके अकॉर्डिंग जो आपके एक्शन होने चाहिए थे वो आपने नहीं लिए थे। तो कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। और गीता में बहुत साफ सुथरे शब्दों में उदाहरणार्थ दिया गया है पूरा का पूरा कि अगर आप एक व्यापारी हैं
और आपने अपनी कौशलता की वजह से, अपनी बुद्धि विवेक की वजह से अगर आपने अपने बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ की, अच्छी संपत्ति हासिल की आपने, तो आप सुख भोगते हैं। लेकिन आप जब व्यापार में आप फेल हो जाते हैं, आप असफल हो जाते हैं, तो आप दुख की अनुभूति करते हैं, दुख भोगते हैं आप। और ये दोनों ही चीजें हमारे हमारे कर्मों पर डिपेंडेंट है। जैसे उस पर कर्म रहे वैसे उसका रिजल्ट मिला। तो कभी भी तकलीफ आती है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर लक्ष्य आप ही के लिए बना है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं, ऐसा प्रकृति में कोई चीज नहीं है जो कि आप हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर आप ड्रीम प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं, या तो उस प्रोजेक्ट को किसी ने पहले आपसे पहले कर दिया होगा। अगर आपसे पहले किसी ने कर दिया, इसका मतलब ये है कि अचीवेबल है वो चीज। और अगर आपसे पहले नहीं किया है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं ये एक प्राणी मात्र ने ही किए हैं, और इंसानों की ही सोच है जिसकी वजह से आज जितने भी इन्वेंशन हो पा रहे हैं उनको हम देख पा रहे हैं और अनुभव कर पा रहे हैं और हमारी लाइफ में उनको यूज कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन बहुत ही आसान होता है। तो जो किसी भी तरीके का आपका लक्ष्य है तो आपको कभी भी घबराना नहीं है। उस पर सिर्फ और सिर्फ हमें एक्शन लेने की जरूरत होती है, उस पर सिर्फ कर्म करने की जरूरत है। और लॉ ऑफ कर्मा यही बोलता है और लॉ ऑफ नेचर यही बोलता है कि जैसा हम बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे। उस पे आप कितना फिर उसको परवरिश देते हैं, कितना आप उस पे मेहनत करते हैं, डिपेंड करता है, आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दो चीज आपने, मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाह रहा हूं कि पहली चीज तो ये कि आप अपने जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उस पे आपकी एक्शन प्लानिंग क्या है। एक्शन प्लानिंग अगर नहीं है तो गोल अचीव हो ही नहीं सकता है। तो एक्शन मस्ट है। आप अपने एक्शन भी डिसाइड, जैसे आप गोल डिसाइड करते हो उस पे डेडलाइन डालते हो, वैसे आपको एक्शन भी आपके डिसाइड करने चाहिए कि मैं उस पे क्या क्या एक्शन लूंगा, क्या क्या काम मुझे करने, क्या टारगेट्स आप उसके ऊपर लेके चल रहे हैं। दूसरा, आपने जो बोओगे वही आप काटोगे। तो आपने पहले ये देखना है कि आप उसके लिए क्या क्या आप कर रहे हैं, क्या आपने डिसाइड किया था, तो वही रिजल्ट मिलेगा एंड ऑफ द। ऐसा नहीं होगा, कई बार हम सोचते हैं कि मैंने डिसाइड ये किया था और मिला कुछ और मुझे। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, समय आएगा और समय जाएगा। लेकिन आगे की अगर अच्छा आप अनुभव करना चाहते हैं तो आज आपको अच्छा करना पड़ेगा। आज अगर आप अच्छा करेंगे, आज जैसा आप बोएंगे तो कल आप वही काटने वाले। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हर इंसान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से, उसे नहीं पता होने की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अपने इरादों को छोड़ देते हैं। और इरादे कभी नहीं बदलने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको तरीके बदलने चाहिए, अपने काम करने का तरीका, काम करने की शैली और एक्शन पे आपको फोकस करना चाहिए, उसको चेंज करने की जरूरत है, ना कि अपने इरादों को बदलने की। इरादे हमेशा आपके मजबूत रहने चाहिए, और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप प्राप्त ना कर सकें। और जो भी लक्ष्य आप प्राप्त करें वो हमेशा समाज के हित में होना चाहिए, आपके भले के लिए होना चाहिए, दूसरों के भले के लिए होना चाहिए। कोई ऐसी चीज कि आप डिमांड अपेक्षा प्रकृति से ना करें जिससे आप सामाजिक हनन करें या लोगों को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है शेयर करिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को इससे फायदा होगा। और अगर आपको दिल करता है तो इस वीडियो का आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले अगले नेक्स्ट वीडियो का। और दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी लोगों का जो इतना प्यार मिलता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।